के सवाल हो तो पूछेगा आप लोग। ठीक ठीक, आप पूछे पहले। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? सर आप सवाल के लिए बोल रहे थे, सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं, आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है, तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सीबीआई मुझे दे दो अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी आजादी ले, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहे ऐसी पार्टी के लिए वो मैं बता रहा हूं आपको, एक करोड़ सीबीआई दे दो कर दिया जिस देश के अंदर, एक मिनट मैम, जिस देश एक मिनट मैम, लेकिन उसको लेने का एक ही तरीका है, मैं एक बता रहा हूँ ना, एक ही तरीका सही ना कि आप मैम उत्तर तो देना चाहिए ना, वो कभी आने नहीं वाला। आज हालत ये है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है, सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है, सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। मैं उत्तर दे, आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहां होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी आप जेल के अंदर। एक मिनट मैम, नहीं नहीं, लेकिन आप सवाल डक कर गए। नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो, उनकी और विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको? गडकरी जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुन तो लीजिए ना मैम, आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना बच्चे का जवाब कि गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं अभी ऑडियो चला दूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको, मुझे आप, नहीं दिक्कत होगी। अरे सुनिए ना भाई, दिक्कत होगी और आप अभी सुनिए ना भाई, अगर उनके चलाते झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दी, बिल्कुल कहा आपने, यहाँ पर 100 के करीब लोग। सर आप फिर सवाल से निकल गए, मैम एक सवाल से निकल, मैडम आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना मैम, मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कितने संभाले। अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई, 70 साल नहीं आने वाले, वापस मैं फिर कहूंगा 70 साल, हाँ ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम, वापस आता हूँ, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया, 26 से 27 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया, मैं पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया, जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। वेस्ट कर रहे हैं और मेरी नहीं, वो सवाल है, अरे सवाल है उनका, अरे मैम उत्तर मिला, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा, बोले हम दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे, नहीं ये गलत है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए, इतनी आपने देश के देश के दर्शक देख रहे हैं, देश क्या पूरा करने, देश का उनका लास्ट सेंटेंस है, वो उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं है, कर सकता हूं भाई, उनकी ग्रामर खराब है, पकड़ी जाती है तो तिलमिलाहट होती है, वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, दर्शक देख रहे हैं, अब वो सवाल से भी डक नहीं करने देंगे। बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं, हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दी आपने, देखिए हाँ या ना, मैं तथ्य हेमंत विश्व शर्मा को क्लीन चिट दे दिया आपने, हाँ या ना, कर रहे प्रवक्ता हेमंत विश्व शर्मा आरोपी हैं कि नहीं भ्रष्टाचार के, हाँ या ना, ठीक है जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए दो तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं बताता हूँ अशोक चौहान, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे बता दीजिए, और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचाई बता दीजिए, ठीक है अशोक चौहान का केस, अशोक चौहान हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वाश किया है, रद्द किया है, लेकिन इसका मतलब आप झूठे आरोप लगाए थे, इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगा के बदनाम किया था, ठीक है तो फिर कोई बात, अरे मैं क्या आलोक जी, आप बताइए ना मैं क्या करूं, अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए और फिर हाईकोर्ट से वो हो गया, फिर हमने उसको ले लिया, इसका मतलब झूठे आरोप थे, 176,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए जरा बता दीजिए मुझे, जवाब सुनिए, तरीका गलत है, तो सुनना होगा ना, हिमंत बिश्व शर्मा का इन्होंने नाम लिया, वो गवाह हैं, गवाह हैं,
वो आरोपी नहीं है। मतलब गलत सीडी निकाली थी आपने, केस फाइल किया हुआ है। मतलब गलत सीडी निकाली थी आपने तो भ्रष्टाचारी, आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं। और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ आपसे। नहीं नहीं, आप मुझे केवल ये केवल ये बताइए, क्या हेमंत विश्व शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे? ठीक है, क्या जवाब दीजिए? हाँ या ना बता दीजिए ना, झूठे थे क्या आरोप? कह रहे आरोप तो आप ही लगा रहे थे ना। आरोप आप लगाएंगे फिर अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार है। ठीक, क्या तरीका भाई? ये तरीका आपको नहीं, झूठे आंकड़े देंगे नहीं सीख पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 4 करोड़ मकान दे दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4, राहुल गांधी से हो नहीं पाएगा। बेवकूफी की बात करते हैं आप, अभी इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, एक सेकंड रुक जाए, रुक जाए, क्योंकि मेरे मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल रहे हैं, वो बोलिए, डर लगता है। आप भी बीच में बोले थे, वो बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या तो अगर वो में पूरे में बोले आलोक जी प्लीज, अंजना जी तो हो गया ना, आपने बोल लिया लगातार, अब सुन लीजिए प्लीज सर। मुद्रा लोन कितने दिए? आलोक जी एक बार इधर देखिएगा तो, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़, 50 करोड़ बोल दो ना भाई, देख लीजिए। मैं 50-60-70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक ने लिया हो तो बता दो। बताइए, देखिए जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अरे अगर चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से, अब देखिए हमने लिया था रिजिग्नेशन, आरोप लगे, ऐसे कोई बहस होती है? नहीं नहीं, आप गलत स्टेटमेंट, आप गलत स्टेटमेंट। आप काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं? अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना सर। तो यही नहीं पता कौन सीएम कब लीजिए, यही नहीं पता। अभी कांग्रेस में नहीं है पृथ्वीराज चौहान, बेकार की बात कर रहे हैं। उनके वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला कर रहा है, निकाल दीजिए पार्टी से। आलोक जी बेकार की बात कर रहे हैं। चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान? जी सुनिए, बताइए ना जरा, इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे सीबीआई खड़ी होकर कह रही है चुप हो जाओ, नहीं तो ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से, भूल गए उसको मीनाक्षी लेखी को? ऐसे चर्चा का चुप रहो, नहीं तो सांसद ईडी आ जाएगी। ये सड़क छाप क्या नहीं क्या बता देते हैं? सड़क छाप आपके सांसद है जो संसद में बैठकर ईडी की धमकी बता रहे हो, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं। आपके सांसद ने धमकी दी, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। बताइए मुझे क्या करूं मैं, तरीका ठीक है? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? ऑडियंस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बहन ने सवाल नहीं, आलोक जी आप केवल ये बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी के नहीं, चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी, क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला था और माफी मांगी गई, वो उचित नहीं है बिल्कुल। यहाँ बोल रहा हूँ डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही चोट पे, सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, सीबीआई चोट पर, सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। सरकार थी स्वायत्तता दे दी होगी, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है ये कह के सर्वोच्च न्यायालय में 14 पार्टियां और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई, क्या ये सच्चाई? अरे भाई मुझे केवल ये बताइए, आपकी सांसद देश की धमकी दी थी कि नहीं? समझदार है वो, नहीं बताएंगे कि ईडी की धमकी दी? सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य ना कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का देश की आजादी से भ्रष्टाचारी नंबर वन आप के लिए। लेकिन आपसे ये ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए, एक सेकंड। आप इसको स्ट्रीट फाइट मत बनाइए प्लीज प्लीज। सवाल मेरा सवाल गौरव जी से है। सर अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था इसलिए। ठीक है, एक साथ। गौरव जी आपसे ही सवाल है, प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन किसका नाम लिया आपने? अजित पवार का। सर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें, आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर, तो फिर आपका क्या कहना है मिडिल क्लास? तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे चुनाव से पहले सुखू जी एक बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे, क्या सुखू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? ठीक,
मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्ची और ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेईमान है जो गठबंधन करके चल रहे हैं। मेदी जी के किसी को डांटने लगेगा उसका सवाल वोट अपने कम करने आए पहले अंजना जी पहले अपने दो सवाल आपसे थे दोनों का जवाब दे दीजिए फिर कंक्लूडिंग। 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे फिर वो घट गई, आज 38 बताते हैं किसी का कहीं आता पता तो है नहीं। 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकारें हैं और मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार। मैं उत्तर दे दूं प्लीज, टाइम खत्म। हिमाचल पर भी एक प्रश्न था। देखिए हिमाचल में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। ऑपरेशन कमल को फेल किया गया है। ऑपरेशन कमल को हमारे यहाँ पर जो स्लीपर सेल से सांसद उनका चुना, फिर बताता हूँ वो भी हमारे यहीं से कांग्रेस से गया हुआ है। नहीं गया हो तो बता दीजिए। इसी बात से खुश है? नहीं कह रहा हूँ खुश है, बात यह है, बात यह है कि जब जब चला गया, अरे सुनने की हिम्मत रखिए, जब उनको पता था कि 43 विधायक हमारे पास हैं, उनके पास 25 हैं, तो क्यों कैंडिडेट खड़ा किया गया था? इसलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा सके, और वो एक राज्य में नहीं हुई है, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई है और तमाम जगह पर हुई है। हाँ जी, खरीद फरोख नोटबंदी का पैसा और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा आपके विधायक और आप लोग तालियां बजाते हैं। 25 विधायक थे फिर भी आपने खड़ा किया, आपको पता था कि किधर से कहां से खींचेंगे? भारतीय जनता पार्टी हाँ, तो क्या किया तो आपने? उनके अपने विधायक कह रहे हैं हमें राहुल गांधी के साथ नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं राहुल गांधी के साथ? गजब बात कर पार्टी से बाहर कर बोले आप सुनो चेक करेंगी अगर आप। प्लीज, मेरे पास पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से। मणिपुर कब गए थे लास्ट टाइम? शांत करा लिए। मणिपुर कब गए थे? अमित शाह जी गए थे, अगर आपको नहीं पता। अमित शाह जी गए थे और उसके उनके रहते हुए वहां पर दो बच्चियों का जिस तरह से नेकेड परेड। आलोक जी आपके बीच में नहीं बोल रहे हो, पता नहीं चला। आलोक जी एक बार सवाल पूछ लीजिए अगर आपको पूछना, लेकिन लगातार मत बोलिए ना। दूसरी बात, इन्होंने जीडीपी की करी तो मैं कहता हूँ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है और औसतन पिछले 10 साल में 7%+ से बढ़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। महंगाई पर महंगाई बढ़ा दी, जब ही आज पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए इन्होंने, क्योंकि कमाई बहुत हो रही है इसलिए जनता पर बोल रहे हैं। ऐसे आप उत्तर दे सकती है? अगर आप क्षमता है तो आप दे दीजिए। मैंने ऐसे हम लोग 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी केवल टैक्स लगा के जब सब ऑनर होते हैं तब तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ एक बार मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी के मुंह थोड़ी बंद कर दूंगी। 40% पेट्रोल डीजल के प्राइस घटे लेकिन अकेला देश हिंदुस्तान है। टाइम नहीं है अब इसे, आपको लगातार बोलना होगा अगर जवाब देना है। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं मुंह उनका बंद कर दूं। दूसरी बात, जीडीपी की फिजिकली नहीं कर सकती तो तथ्य ये है 76,000 रुपीज पर पर्सन आज 1.5 लाख रुपए है, डबल हो गई। कितनी थी इन्फ्लेशन? कितनी इन्फ्लेशन? बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खराब हो जाएगा। फिर पकड़ो। अच्छा इन्फ्लेशन इनके समय में डबल डिजिट था, हमारे समय में औसतन 4.5% रहा।